चाणक्यपुरी यूथ क्लब शहर में फिर से सक्रिय हो गया है। क्लब के मेंबर हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर सफाई के लिए उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर बीते साल शुरू किया गया चाणक्यपुरी यूथ क्लब कोरोना काल के चलते थम गया था। गांधी जयंती के पावन अवसर पर शनिवार सुबह चाणक्यपुरी यूथ क्लब ने साई मंदिर माता मंदिर के पीछे 2 घंटे तक लगातार सफाई की, विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे को अलग अलग किया, स्वच्छता के लिए दवाई का छिड़काव भी किया, खाली प्लाटों में जहां तहां उगी गाजर घास को काटा। चाणक्यपुरी यूथ क्लब के मेंबरों की हेल्प कॉलोनी के नागरिकों के द्वारा भी की गई। चाणक्यपुरी यूथ क्लब में 40 मेंबर हैं। स्वच्छता के प्रति समर्पित यहां मेंबर अब हर रविवार सुबह शहर की विभिन्न कॉलोनियों में दिखाई देंगे। अभियान को 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती दिन से पुनः चालू करा गया है और यह अब निरंतर हर रविवार को शहर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर निरंतर ये कार्य सफाई अभियान चालू रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके संदर्भ में ये सफाई अभियान पिछले 2 वर्ष पहले चालू किया गया था। आगामी दिनों में हर संडे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शासकीय इमारत, मंदिर, ये सर्वे स्थलों की सफाई की जाएगी। कितने सदस्य हैं अब, कितने मेंबर? लगभग हम 40 लोग हैं सदस्य। आज पहले दिन कुछ सदस्यों की संख्या कम है क्योंकि आज कुछ जगह ग्राम पंचायतों में अन्य जगह सफाई अभियान है उससे जुड़े लोग नहीं आ पाए, लेकिन 40 सदस्य टोटल हमारे पास है। नगर पालिका अन्य संस्थाओं से हमको मदद तो नहीं मिलती, लेकिन उनके जनप्रतिनिधि या लोग आगे हमारे सफाई अभियान का एक हिस्सा बनते थे, परंतु आज तो हम ही लोग हैं। और ये सूचना हमने किसी तरह सर्वे करी भी नहीं थी, आपके माध्यम से बता रहे हैं कि ये लगातार निरंतर अब चलती रहेगी हर संडे के संडे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में। नागरिकों को भरपूर सहयोग मिलता है जब हम सफाई अभियान करने जाते हैं, लोग घर से निकलते हैं, उत्साह वर्धन करते हैं। कई जगह तो पुराने टाइम में जब हमने किया बिजोरी गांव में मंडी है, जगह पुष्पमालाओं से स्वागत करके पूरी टीम को स्वागत किया गया और विभिन्न मंचों पर शहर के विभिन्न मंचों पर भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे संस्था का स्वागत किया गया है।